फंक्शन है तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ और अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। तो अभी अंदर जाके थोड़ा मज़ा करने वाली हूँ। देखिए, मुझे तो इतना ही लगता है कि मेरी दादी से ज़्यादा ग्रेसफुल इंसान मैंने आज तक देखा नहीं है। मेरे लिए वो ब्यूटी को डिफाइन करती हैं, जिस तरह से वो अपने आप को कंडक्ट करती हैं और कैरी करती हैं। और वो इतनी उम्दा कलाकार रह चुकी हैं और हैं, तो उनके साथ स्टेज पर रहना मेरे लिए ऑफकोर्स बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है और स्पेशल भी बात है, क्योंकि दादी हैं वो मेरी। तो आई एम एक्साइटेड एंड आई एम ग्रेटफुल एंड थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू। बहुत ही टाइम बाद, नहीं मैं बहुत ही टाइम बाद दिख रही हूँ और साथ में, और साथ में आई थिंक वो ब्यूटी अवार्ड्स बहुत ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे बिजनेस में। सो आई एम रियली हैप्पी दैट वी बोथ कैन बी हियर टू सपोर्ट द वो ब्यूटी अवार्ड्स एंड जितने भी लाइनअप है, आई थिंक सारे बहुत ही अमेजिंग अचीवर्स है, बहुत ही ब्यूटीफुल वुमेन है आज रूम में। सो आई रियली एक्साइटेड टू बी। आई थिंक वी इंस्पायर ईच अदर, आई थिंक वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। जब दो बहनें हैं आई थिंक वो बहुत ही अच्छा है, बिकॉज वी इंस्पायर ईच अदर, मज़ा भी करते हैं साथ में। एक दूसरे के कपड़े हम चोरी करते हैं, एक दूसरे के जूते चोरी करते हैं। सो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट। और उसको मालूम नहीं है कि आज मैं बहुत ही एक स्पेशल अवार्ड देने वाली हूँ। यू आर एम आई यू आर वेल आई थिंक बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक शी इज़ द ऐप पर्सन, बिकॉज मैं हमेशा कहती हूँ मेरे सारे इंटरव्यूज़ में, अगर कोई भी मुझे पूछे कि who's that one person you turn to for any kind of advice, who inspire, I always say my sister, because she always gives me the correct advice. So I'm really glad that she's here. I think he is the most deserving
आई थिंक वी ग्रोन अप वॉचिंग मिस्टर बच्चन मूवीज एंड आई थिंक हम उसके सबसे बड़े फैंस हैं सो ही ट्रूली डिजर्व्स इट. आई थिंक ही मूव्स विद द टाइम्स. ही डज फिल्म्स विच आर वेरी अप्रोप्रिएट टू टुडे. तो वो बहुत ही ज़रूरी है टू मूव विद द टाइम्स एंड आई थिंक ही डज इट सो ग्रेसफुली कि मतलब वी ऑल सच बिग फैंस ऑफ हिम. एब्सोल्युटली. हैप्पी बर्थडे अमित जी एंड कंग्रेचुलेशंस. हियर्स विशिंग माय मोस्ट फेवरेट एक्टर फैन गर्ल फॉर लाइफ मिस्टर बच्चन वेरी हैप्पी बर्थडे. Very happy to be here. It's a wonderful evening and everybody's going to be looking very good and very stylish and very suave and very well turned out. So I'm happy to be here to attend this wonderful award function and aap jo bhi kaam karte hain usme har cheez important hoti hai aur aapke paas mauka hota hai har cheez par kaam karne ka, kuch naya karne ka, kuch alag karne ka. I think this job provides you many opportunities to play many different people, look very very different, discover different sides of yourself, delve inside to understand who you are, create different emotional experiences for the audience. So I think it's a great job and I feel privileged to be getting to do movies and so I think every aspect of filmmaking is extremely important and extremely exciting and I enjoy thinking about it, creating so many different facets and I love it. Definitely I think mauke shayad behtar milenge, log shayad thoda zyada confident honge because yahan par jab aapki film box office pe bahut zyada chalti hai to suddenly bahut sare log aapke andar bahut zyada interested ho jate hain. Nahi to kabhi kabhi aapko interest mangna padta hai ki yaar main bhi acha hu mujhe bhi dekh lo. Apart from that I think jo process hai mere kaam ki wo pichle 8-10 saal se achhi rahi hai aur कबीर सिंह भी उसी प्रोसेस का नतीजा है. तो शायद कुछ सही किया कुछ गलत किया तो और बेहतर करने की कोशिश करूँगा. मेरी सिर्फ यही तमन्ना है कि मैं जो भी अगली फिल्म करूँ वो पैसे कितने भी कमाए लेकिन लोगों को फिल्म अच्छी लगे. दैट वी पुट अ गुड फिल्म टुगेदर बिकॉज आई रियली फील दैट देर इज़ अ नीड फॉर मी टू रिटर्न द लव दैट आई हैव रिसीव्ड. आई वॉन्ट टू बी एबल टू गिव पीपल एन एक्सपीरियंस वर्थ वॉचिंग. यस आई थिंक हमारी कोई औकात नहीं है बच्चन साहब के बारे में कुछ कहने की. हम सिर्फ उनको देख के उनसे सीख सकते हैं और ही इज़ डिजर्विंग ऑफ एवरी ऑनर इन दिस कंट्री. सो दादा साहेब फाल्के अवार्ड बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है और मिस्टर बच्चन एक लेजेंडरी पर्सनैलिटी है. तो जितना आई थिंक उनको अवार्ड दे के उनको रिस्पेक्ट दिया जाता है उतना ही जब वो किसी अवार्ड फंक्शन में जाते हैं किसी भी अवार्ड फंक्शन को उतनी ही रिस्पेक्ट मिलती है. So I think he's that kind of a person and any honor is less for him. Wishing him many more years of the amazing energy that he has. Wishing him many more years of tremendous work and hope to learn from him the way we have for the last I don't know how many decades. For whom? Wishing Mr. Bachchan a very 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 happy birthday sir. We are all somewhere here because of the inspiration that we've drawn from you, whether it's in the workspace or it is personally the way you have conducted yourself. You are somebody we all cherish dearly, so wish you a wonderful many 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 more years ahead. Main bahut excited hu kyunki actually main aaj ek award dene aayi hu, shayad lungi pata nahi, par mainly dene aayi hu जो एक शख्स को जो मेरे लिए बहुत मेरे बहुत करीब है. इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. उनका नाम सौरभ है. वो मेरे ट्रेनर है. ही इज़ विनिंग द बेस्ट द फिटनेस वोग फिटनेस इंस्ट्रक्टर ऑफ द ईयर. तो मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ. अभी अभी अवार्ड देखे आई हूँ. सो या वेरी स्वीट. ट्रेलर रिलीज है सो आई रियली होप लोगों को पसंद आए ट्रेलर एंड
of the best, khali India mein hi nahi, around the world, he's one of the best artists that we have, not just an actor. And I wish him all the luck and I'm so happy that he did. पहली चीज तो एज इज जस्ट अ नंबर. उनका जो करिश्मा है और उनका जो ग्लो है एज एन एक्टर, दैट्स अनडाइंग, दैट्स एवरग्रीन. एंड उनको जो बांधे रखता है, आई थिंक इट्स डिसिप्लिन एंड इज पैशन फॉर लाइफ जी. और मेरा 10 को यही कहना चाहूँगी दैट अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे टू अमित जी. एंड मेरा हमेशा क्लेम टू फेम यही रहा है कि मेरा बर्थडे अमित जी से एक दिन पहले आता है. एंड आई यूज टू ऑलवेज बोस्ट अबाउट दैट, बट आई वुड जस्ट विश हिम ग्रेट ईयर फुल ऑफ अमेजिंग हेल्थ, अमेजिंग वर्क एंड एवर नेवर डाइंग चार्म. आज के लिए बहुत ही ज़्यादा, आई थिंक वोक स्टैंड्स फॉर एवरीथिंग फैशन एंड ब्यूटी. और आज हम ब्यूटी फ्रिटर्निटी और इंडस्ट्री के स्पेशल ब्रांड, स्पेशल कंपनीज और स्पेशल फेसेस को सेलिब्रेट करेंगे. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. अंदाज और अदाएँ हमेशा थी. आई थिंक अदाएँ तो हमेशा थी, लेकिन अपने किरदारों में इतना घुसी हुई थी मैं कि कभी मौका ही नहीं मिला. और अब मौका मिल रहा है तो सेलिब्रेट कर. तो जैसा मैं कह रही थी, बहुत ही स्पेशल पीरियड है मेरे फिल्म फिल्म करियर का जो शुरू हो रहा है. सो फिंगर्स क्रॉस. आई डोंट थिंक एनीबडी एल्स कुड बी मोर डिजर्विंग. आई मीन अमित सर एक लेजेंड है, वी ऑल लुक अप टू हिम. एंड देयर इज अनदर एक्लेड एडेड टू हिज लेजेंडरी एपिक लाइफ. सो कंग्रेचुलेशन सर, वी ऑल लव. आई थिंक एक तो हिज टैलेंट, देयर इज नथिंग अबव दैट. उनकी जो खासियत है कि वो समय के साथ बदलने की उनकी एबिलिटी है, वो अपने क्राफ्ट को हमेशा री इन्वेंट करते रहते हैं. आई थिंक वो एक बहुत ही बड़ी एबिलिटी है जो हर एक्टर के पास होनी चाहिए, यू नो. सो आई थिंक ही इज़ जस्ट, वो हम सबसे मतलब बहुत ही अप टू डेट है इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ. मुझे कोई अवार्ड मिल नहीं रहा है. मैं एक्साइटेड तब होंगी जब मुझे अवार्ड मिलेगा. बट इट्स वोग ब्यूटी अवार्ड्स. दिस इज़ वेयर फैशन एंड ब्यूटी बिगिंस, द ब्यूटी ट्रेंड्स बिगिन. एंड आई एम एक्साइटेड एक्साइटेड टू सी हु इज़ गोना विन. इट्स ऑल ड्यू टू संजना, माई स्टाइलिस्ट. इट्स री माकरा दैट आई एम वेयरिंग एंड वी ट्राई टू कीप इट वेरी लाइक सल्ट्री एंड ग्लॉसी. आई डोंट नो, क्लासी, दैट्स ऑलवेज अ गिवन. Well, last year I would say Mirzapur released, which was a big project for me. And soon after, my first international TV series, Beachum House, released on Netflix. So I'm excited that I'm getting to do different kinds of work in India. Thank you. Vogue has been very supportive of my journey so far. एंड जब भी वोक का कोई इवेंट होता है और जब भी वो किसी भी तरीके से मेरे काम को एक्नॉलेज करते हैं, बहुत अच्छा लगता है. देखिए, बहुत बड़ी टीम रहती है. जब आप शुरुआत करते हो, आपके साथ टीम नहीं होती. जैसे जैसे ऊपर वाला मेहरबान होता है, आपके साथ टीम आ जाती है. स्टाइलिस्ट आ जाते हैं, मेकअप हेयर ये वो मैनेजर्स फलाना सब आ जाते हैं. सो आई एम ब्लेस्ड विद अ वंडरफुल टीम हु मेक मी लुक द वे आई लुक, हु मेक मी डू द गुड वर्क दैट आई डू. सो या बिग शाउट आउट टू माय टीम. हाँ, नहीं, आई थिंक बच्चन साहब एक ऐसे फिगर हैं जो आई थिंक हमारे इंडस्ट्री के राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, टेक्नीशियंस, हम चाहे जितना उनको थैंक यू बोल दें, हम सबको इंस्पायर करने के लिए उतना थैंक यू कम है.
Dada Saheb Phalke is a big honor, but a very, very justified honor to a figure like Bachchan Saab. But still, I think unke honor mein, matlab kuch bhi de diya jaye, wo chota hi lagega. So many, many congratulations from the bottom of my heart. I mean, it's Vogue Beauty Awards, so of course, everyone's putting their best foot forward. I have to say that मैंने beauty के बारे में और looks के बारे में बॉम्बे आके सोचना शुरू किया. मैं बॉम्बे जब मैं आई थी मैं एकदम झल्ली थी. बॉम्बे ने बहुत कुछ सिखाया मुझे. I mean, I think that you have to, it's good to know your body, it's good to know your face, and it's good to know what you're comfortable in. Because you can't look good until you're feeling comfortable. बिल्कुल, मुझे लगता है कि हमारी पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत गर्व का दिन है. अमिताभ सर लेजेंडरी एक्टर हैं हमारे देश के, पूरी दुनिया के मैं कहूँगी. आई थिंक उनके जैसा कोई नहीं है. सो वेरी वेरी हार्टी कंग्रेचुलेशंस टू हिम. आई मीन आई थिंक अमिताभ सर का टैलेंट, उनका करिश्मा, आई थिंक देयर नो वर्ड्स टू इट. ही इज जस्ट surrounded by beautiful people, so I'm very excited about it.
सॉरी वेल आप देख सकते हैं आई एम लुकिंग लाइक एन आर्मी गाय नाउ ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू बी लाइक एन आर्मी गाय एंड राइट नाउ वी ट्रेनिंग विद द आर्मी आई एम अंडर ट्रेनिंग विद द आर्मी एंड अंडरस्टैंडिंग द बॉडी लैंग्वेज एंड आई थिंक इन 20-25 डेज विल गो ऑन फ्लोर्स Well, for me, I think Mr. Bachchan is the most deserving candidate to be getting this award. It's a very prestigious thing and it's an honor to be in the same industry where Mr. Bachchan works and he completely deserves this award. Sir, the name Amitabh Bachchan is mesmerizing. Everything about him, from his acting, the way he is, his personality, the aura, everything is mesmerizing. So I think Mr. just the name Amitabh Bachchan means the world. Thank you. She is presenting an award. I am just here to enjoy the show. Honestly, I only make an effort for award functions or functions. Otherwise, I'm very, very casual in whatever I wear. Super happy, and I would only like to congratulate him. I mean, he is Amitabh Bachchan, you know what I mean? I'm just really, really happy that he's receiving the award. Amitji, we love you, and just keep acting in more films and entertaining us, and that's all I can say. I love, love, love you. Happy, happy birthday. Honestly, I have to owe my entire fashion and dressing style to Sanam Ratansi. Without her, I am just in jeans and t-shirt. So, thank you, Sanam. She puts a lot of effort. Wo samajhti hai aur main usko samajhti hu. Bas. I think change is always great because kabhi-kabhi change se na aapko zyada achha lagta hai, aapko zyada feel hota hai. Jaise maine kabhi bangs katwa liye, mujhe thoda younger feel hua. आप कभी कोई हेयर स्टाइल करो उससे आपको अलग फील होता है आप एक येलो ड्रेस पहनो आपको ब्राइट फील होता है सो आई फील लाइक चेंजिंग योर लुक कैन ऑलवेज बी समथिंग टू एनहांस योर पर्सनालिटी थैंक यू वेल मेरी फिल्म अनाउंस हुई है व्हिच इज कॉल्ड इंदु की जवानी एंड इट्स विद मी एंड कियारा आडवाणी एंड वी हैव अ फैंटास्टिक डायरेक्टर ऑन बोर्ड सो दैट विल स्टार्ट सम टाइम अक्टूबर मिड अक्टूबर एंड इट्स गोना बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक ऑन डेटिंग एप्स Obviously, I think any award function is celebrating, appreciating people from the industry in general, and it always feels nice to be here with all the glamour. And Vogue is definitely really up high there, you know. And I've been reading Vogue magazine since forever. And beauty awards are also like really special. Just it's nice to see so many pretty people around. And I think beauty is in the eye of the beholder, so that is that. प्यारी मुझे लगा मैं हॉट लग रही हूँ ये क्या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अभी अभी हाल ही में खबर आई है हाल ही में खबर आई है ऑस्कर में ऑफिशियल एंट्री होगी है तो थैंक यू सो मच तो एक्साइटमेंट और डबल ट्रिपल इंटू टेन है और बहुत एक्साइटेड हूँ लुकिंग फॉरवर्ड टू द लवली सेटअप वी हैव सेरेमनी लेट्स सी यार एज एन एक्टर बाद में बोलूँगा अभी पहली फिल्म थी मेरी वो और पहली फिल्म में ही इतना कुछ हो रहा है तो लोगों का प्यार है और फिल्म बहुत बढ़िया बनाई थी जोया अख्तर फरहान अख्तर रितेश सर रणवीर सिंह आलिया भट्ट सो आई थिंक पूरी टीम का ये टीम की मेहनत है और जो रंग ला रही है इनसाइड आउट ब्यूटी की हम सब बात करते हैं तो आई थिंक फोकस अंदर ज़्यादा बाहर कम होना चाहिए बट ये कहना झूठ होगा कि एज वुमेन हम लोग फोकस नहीं करते बाहर आई थिंक इट्स ऑल्सो आउटसाइड इनसाइड द अदर वे राउंड बिकॉज When you pamper yourself, जब आप खुद को pamper करते हैं अपनी skin का अपने hair का ध्यान रखते हैं you feel good
and it travels outside in as well. So yeah, बहुत महत्व रखता है. I think you can experiment with your looks always. It doesn't, age is not the factor. I presented Man of the Year to Vicky Kaushal.